काउंटिंग की तैयारी पूरी, 10 बजे से मिलने लगेंगे रिजल्ट। इलेक्शन कमीशन ने काउंटिंग की तैयारी पूरी कर ली है। इलेक्शन कमीशन ने बताया सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी और 8:30 बजे से ईवीएम से गिनती होगी। काउंटिंग पर नजर रखने के लिए 243 ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। बिहार चुनाव में महिलाओं ने की जमकर वोटिंग। बिहार के 5वें फेज की वोटिंग महिलाओं के नाम रही। उन्होंने पुरुषों के मुकाबले 7.55% अधिक वोट डालकर न सिर्फ नया रिकॉर्ड बनाया बल्कि देश के लिए नई मिसाल कायम की। साइलेंट वोटर्स से सभी दलों की धड़कनें बढ़ी। 5वें फेज की वोटिंग के बाद काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एग्जिट पोल के अलावा साइलेंट वोटर्स ने भी सभी दलों की धड़कनें बढ़ा दी है। जहां एक तरफ एनडीए 2/3 बहुमत से सरकार बनाने का दावा कर रहा है, तो वहीं लालू का कहना है कि एनडीए को सिर्फ 40 सीटें ही मिलेंगी और महागठबंधन को 190 सीटें। बिहार चुनाव में 12 करोड़ की शराब, हथियार और कैश जब्त। चुनाव की घोषणा के बाद 19 करोड़ 90 लाख रुपए जब्त किए गए। इसके अलावा 12 करोड़ 3 लाख की शराब और 857 किलो गांजा के साथ हेरोइन भी जब्त किया गया। 5वें चरण के मतदान के दौरान 400 लोगों को गिरफ्तार किया गया। महागठबंधन को बहुमत मिलने का मतलब मोदी के खिलाफ जनमत। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार के कटिहार से सांसद तारिक अनवर ने कहा कि महागठबंधन को बिहार चुनाव में बहुमत मिलता है तो प्रदेश का जनमत पीएम मोदी के विरोध में होगा। कई सर्वे में महागठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिखाई गई है। लालू ने कहा बिहार चुनाव में भागवत का बयान बना मुद्दा। लालू प्रसाद यादव ने दावा किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत के आरक्षण की समीक्षा वाले बयान के बाद बिहार में पिछड़ों की जबरदस्त गोलबंदी हुई है, जिससे विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को 190 सीटें मिलनी तय है। चलते चलते बताते हैं बिहार चुनाव के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। बिहार चुनाव में पीएम मोदी ने कुल 25 रैलियां की। उन्होंने अपनी स्पीच में 84 के दंगों का जिक्र, नीतीश पर बिजली बम और विकास के मुद्दों सहित विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। बिहार बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दैनिक भास्कर.com।